अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हमारा पूरा का पूरा व्लॉग वॉइस ओवर में होगा। तो गाइस आज हम जा रहे थे घूमने के लिए, गाड़ी में बैठ गया था, बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। यहाँ से चलते चलते जब हम पहुँचे रास्ते में तो हमें एक नहर नज़र आई, वहाँ पर हम नहाए थे, लेकिन आपको वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे एक अच्छे नहीं थे। तो वहाँ हमने कुछ तस्वीरें वगैरह बनाई। तस्वीरें बनाने के बाद हमारे चाचू की दुकान में हम चले गए, जहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी थी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फियाँ वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि घुस जाओ। बस उसके बाद ना मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, मैं दुकान के अंदर घुस गया और मैंने खाना शुरू कर दिया। खाते खाते जब मुझे चाचू ने देखा कि मैं तो बस दुकान ही खाली कर रहा हूँ, तो ये मेरी लास्ट बाइट थी जो मैंने ये अभी उठाई थी। उसके बाद चाचू ने मुझे कहा ये पकड़ बोतलें और दफा हो जा मेरी दुकान से। और वहाँ से अपनी लोकेशन के लिए हम रवाना हो गए। रास्ते में हमें शेखों की बड़ी बड़ी सिगरेटें नजर आई और फिर कुछ देर बाद हम सहराई इलाके में पहुँच गए, जहाँ हमें दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ रेत ही रेत थी और सहराई इलाका था। उसके बाद आके हमें कुछ जानवर वगैरह नज़र आए। दिल तो बहुत कर रहा था कि इनको उठा के गाड़ी में डालूँ, उनके साथ कोई आदमी भी नहीं था, लेकिन क्या कर सकता था, गाड़ी में इतने ऑलरेडी बहुत सारे जानवर थे। रास्ते में मुझे बड़ी नींद आ रही थी क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो गया था। और फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए यहाँ पर रुक गए। मैंने सोचा आपको मुंह दिखा दूँ, और इन दोनों को तो बस थोड़ा सा टाइम चाहिए होता क्रिकेट खेलने के लिए, ये बस बॉल कराता था और बॉल उठाता ही रह जाता था। और फिर हम वहाँ से चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ जहाँ हम जा रहे थे। वहाँ पहुँच गए हैं और अब आप यहाँ से देखें कि कौन सा किला है, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। किले को देखते देखते मेरे सामने एक कैमरा मैन आ गया जो मेरा खुद का ही भाई था, और पिक्चर्स खिंचवाते खिंचवाते मुझे एक बड़ा सा टावर नज़र आया। और फिर मैं सोचने लग गई एक टावर किस चीज़ का है। और फिर मैं अपने वडेरों के पास गया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा आओ चले मैं दिखाते हैं कि टावर पे क्या है। और फिर हम वहाँ पर पहुँच गए और नीचे से टावर इतना बड़ा लग रहा था कि मुझे वहीं से ही बहुत डर लग रहा था। और मेरे भाई ने कहा तेरे आगे मैं चलता हूँ, तुझे डर भी नहीं लगेगा। मैंने दिल पर पत्थर रखा और ऊपर चढ़ने लगा। जब मैं आधे रास्ते पर पहुँचा तो मैंने देखा सिर्फ मैं अकेला हूँ, मेरा भाई नीचे रह गया है। और मेरा कज़न जैसे तैसे करके ऊपर तक पहुँच गए। ऊपर जाके बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आ रहा था, इतना कभी भी मैं इतनी बुलंदी पर नहीं गया। उसके बाद मुझे कज़न ने बताया कि यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर इंडिया का बॉर्डर है। बॉर्डर तक तो हम जा नहीं सकते थे। उसके बाद जब मैंने नीचे देखा और मुझे कुछ कीड़े मकोड़े नज़र आए छोटे मोटे से, उसके बाद जब मैं नीचे आ रहा था तो मैं सोचने लगा इंडिया का बॉर्डर तो बहुत ही करीब है, क्यों ना मैं वहाँ चला जाऊँ। यहाँ के लोग ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, इसलिए मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहाँ चला जाऊँ। इंडिया जाना इतना आसान नहीं था, इसलिए मैं टावर से नीचे आ गया। टावर से नीचे आने के बाद खाने पीने का कुछ सामान लाए थे, वो हमने खाया। और उसके बाद इतनी गर्मी लग रही थी कि बस वहाँ ठहरा नहीं जा रहा था। उसके बाद बस गाड़ी में बैठे और वापसी का सफ़र हमने शुरू किया। और उसके बाद बहुत ही नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि बस सो जाऊँ। इसी व्लॉग को यहाँ पर हम एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।